फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के भीख में मिली आजादी के बयान को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कंगना रनौत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महिला ने चाटुकारिता की हद पार कर दी है। कंगना ने न सिर्फ संविधान का अपमान किया बल्कि अमर शहीदों के बलिदान का भी परिहास किया है। अब मैं अभी थोड़ा सा अभी यहाँ हमारा कार्यक्रम है अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बांग्लादेश के 50 साल कंगना देवी पे भी है। आजकल वो कंगना देवी हो गई हैं तो उन पे भी कुछ बोलेंगे। अब यहाँ बोलूँ तो चलो अब दो लाइन तो बोल ही देता हूँ। एक ऐसी महिला जिसको इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं, वो महिला देश के इतिहास पे उंगली उठा रही है, देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अस्मिता को चुनौती दे रही है, उनके बलिदान को चुनौती दे रही है, उन 600 किसानों का बलिदान हुआ आंदोलन में उनको चुनौती दे रही है। ऐसी महिला के लिए तो मैं समझता हूँ कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। चाटुकारिता की हद कर दी इस महिला ने। इन्होंने कहा कि आज़ादी हमें 1947 में नहीं, हमें भीख में मिली वो आज़ादी, असली आज़ादी 1914 में मिली है। तो नरेंद्र मोदी के पैर चाट ले भाई, यदि वो तुम्हारा भगवान है, उसी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज़ादी मिली तो पैर चाट लो। क्यों महात्मा गांधी जैसे लाखों लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी आत्मा उनके परिवार की आत्मा क्यों दुखाई? अब देखिए भाजपा नरेंद्र मोदी ही अपने शब्दों को इस महिला के मुंह में डाल के बुलवा रहे हैं, सीधे सीधे परिलक्षित हो रहा। 2014 में असली आज़ादी मिली, अब इसमें क्या सर, एक सवाल हो रहा है।